आइडियाज विद सोनी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको कमर दर्द को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा बताने जा रही हूँ। ये काफ़ी पुराने ज़माने का नुस्खा है जो हमारी दादी नानी यूज़ किया करती थी जब उनको कमर दर्द होता था। कमर दर्द की प्रॉब्लम आजकल सब लोगों को हो रही है। जो पहले लोग होते थे वे गोलियाँ कम खाते थे और घरेलू नुस्खे से ही अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते थे। इस घर में तैयार करे हुए आसान से नुस्खे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही हमें इस नुस्खे के लिए बाज़ार से कुछ लाना है, सब कुछ घर में ही होगा। हमें यहाँ पर लेना है 50 ग्राम गेहूँ का दलिया। अब हमें कम से कम इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देना है, इसे भिगा कर रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। अब हमें इस भीगे हुए गेहूँ के दलिये को मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लेना है और इसका एक हल्का सा पेस्ट बना लेना है इस तरह से। हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा करना है। अब एक पैन लें, भारी तली का होना चाहिए, और उसमें इस पेस्ट को डाल दें। अब इस टोटल मिश्रण में लगभग 1 ग्लास दूध डालिए, चाहे गाय का हो या भैंस का, कैसा भी आप डाल सकते हैं, जैसा आपके पास अवेलेबल हो। और इसे गैस पर पकने के लिए रख दीजिए, धीमी आंच पर ही पकाइए। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और इसमें जलने की स्मेल आ जाएगी। हमें इसे लगातार चलाना है और इसे जब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। जब तक ये मंदी आंच में पकता है धीरे धीरे, तब तक हमें एक दूसरा काम कर लेना है। हमें 4-5 यहाँ पर खजूर लेनी है, इनके बीज निकाल कर अलग कर लें और इन्हें बारीक बारीक काट लें इस तरह से। ये देखिए, हमने जो पकने के लिए रखा था वो अब गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इसमें वे खजूर डालनी है जो हमने काटी थी। और खजूर डालने के बाद ये 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा और पकाना है। आप चाहें तो थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ये गाढ़ा लग रहा है तो। इसकी कंसिस्टेंसी खीर जैसी होनी चाहिए, जैसे खीर होती है वैसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब हमें इसमें डालनी है शक्कर। हम लगभग 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होती है और आयरन हमारे कमर दर्द को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो गाइस देखिए, ये तैयार हो गया है हमारा कमर दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सा सस्ता और घरेलू नुस्खा। और सबसे बड़ी बात, ये नुस्खा कभी भी हमें बैड इफ़ेक्ट नहीं देता है, ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।